हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बार फिर से लवली फाइनेंस के बारे में लवली फाइनेंस के प्राइज़ प्रोडिक्शन के बारे में और दोस्तों अगर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा तो मेरे दोस्तों अगर आप देखोगे लवली नू कॉन का जो प्राइज़ आपको यहाँ पर देखने को मिला था वो आपको यहाँ पर जीरो पॉइंट सिक्स जीरो फोर एट का प्राइज़ आपको यहाँ पर देखने को मिला था बट अगर आप यहाँ से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर करेक्शन देने को मिल जाता है और अभी जो प्राइस चला हुआ है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो वन ज़ीरो वन एट का प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है लवली कॉइन का यानी कि यहाँ पर लवली कॉइन की टीम की तरफ से बोला गया था कि अब की बार आपको सेकेंड एनिवर्सरी के आसपास आपको जो प्राइज़ देखने को मिलेगा जीरो पॉइंट फोर जीरो फाइव का प्राइज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बट यहाँ पर काफ़ी ऐसा मेरा भाई है जिन्होंने यहाँ पर दो दिन इन्वेस्टमेंट कर दिया और ऐसे मैंने आपको पहले ही आपको यहाँ पर अपडेट किया था कि मेरे दोस्तों देखिए अभी का जो सनेरी आपको कुछ अलग देखने को मिल सकता है लवली इनू का बट अभी के टाइम पर आपके लिए क्या करना यहाँ पर सही रहेगा क्योंकि अगर आप इसका मार्केट कैप दोस्तों देखते हो तो मात्र आपको सात मिलियन का ही मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो और 860 आपको यहाँ पर रैंक देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर देखिए जितना मार्केट कैप वो आपको यहाँ पर कम देने को मिलता है उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर रिस्क भी देखने को मिलता है क्योंकि जो बाइंग है आपको इतनी ज़्यादा अभी के टाइम पर मेरे दोस्तों देने को नहीं मिल पा रही है लवली न्यूक के अंदर और टेक्निकली दोस्तों अगर आप देखते हो यहाँ पर मैंने वनडे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है लवलीन क्वाइन का और ऐसे में दोस्तों अगर आप देखोगे आपको यहाँ पर काफ़ी मजबूत सपोर्ट देने को मिल जाता है और ये जो सपोर्ट आपको देने को मिल जाता है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो वन जीरो का काफ़ी मजबूत सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है अगर आप देखते हो यहाँ पर आपको पहले भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल चुकी है और ऐसे में अगर आप प्राइज देखोगे तो 0.6048 तक आपको प्राइज़ मेरे दोस्तों देखने को मिल चुके हैं लवली इनकन के बट अगर देखा जाए तो लवली इनक के अंदर एक बार फिर से हमें यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर प्राइज़ यहाँ पर स्टेबल रहता है तो हो सकता है कि आपको एक बार फिर से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकता है क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको यहाँ पर बुल रन का भी स्टार्टिंग देखने को मिलने वाला है और जो लवली का टीम है मेरे दोस्तों जैसा कि मैं आपको बोलता ही रहता हूँ कि यहाँ पर जो आपको प्राइज़ बताया गया था यहाँ पर आपको जो बोला गया था कि लवली न्यू कॉइन का की बार आपको यहाँ पर न्यू ए एट देखने को मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर इसका सेकेंड एनिवर्सरी आपको देखने को मिलने वाला था और इसी को देखते हुए काफ़ी मेरे भाइयों ने यहाँ पर भी एंट्री लिया है कुछ भाइयों ने यहाँ पर भी एंट्री लिया है और कुछ मेरे भाइयों ने यहाँ पर भी एंट्री लिया हुआ है बट जैसा कि मेरे दोस्तों में आपको बोलता ही रहता हूँ कि मेरे दोस्तों जब भी आपको रजिस्टेंस के आसपास प्राइस देखने को मिलता है जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी मजबूत रजिस्टेंस आपको तो देखने को मिल जाता है उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये भी काफ़ी मजबूत रजिस्टेंस आपको तो देने को मिल जाता है तो यहाँ पर मैंने आपको अपडेट किया था कि मेरे दोस्तों अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट को आप सेव करिएगा प्रॉफिट को होल्डिंग पे रखिएगा और आप अगर यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हो एक बार फिर से आप यहाँ पर एंट्री अपनी बना सकते हो क्योंकि ये जो सपोर्ट है काफ़ी मजबूत सपोर्ट है इसीलिए मैंने बोला है कि यहाँ से दोस्तों अभी भी हमें उम्मीद है कि एक अच्छी खासी रिकवरी मेरे दोस्तों हमें देखने को मिल सकती है लवली इनोक के अंदर बट अगर हम बात करते यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट की तो जो अनाउंसमेंट है वो तो हमें यहाँ पर जो देखने को मिला है वो लिस्टिंग को लेकर कुछ अनाउंसमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है बट जिन्होंने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है जिस भाई ने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है तो अभी के टाइम पर क्या करना चाहिए क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा तो मेरे दोस्त देखिए अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अभी के टाइम पर आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लवली निकॉल के अंदर क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लिस्टिंग का अनाउंसमेंट आपको देखने को मिला है जिस तरीके से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको 25 अगस्त के आसपास ला टोकन एक्सचेंज पर आपको आई देखने को मिलने वाला है और वहाँ पर आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा वो जीरो पॉइंट फाइव जीरो वन का प्राइस आपको देखने को मिलेगा तो अभी के टाइम पर आपको थोड़ा सा मेरे दोस्तों पेशेंस बना के रखना थोड़ा सा होल्डिंग बना के रखना है और यहाँ पर आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बना चुके हो तो ऐसे में देखिए आप यहाँ पर अपना ट्वेंटी परसेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बट मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पर हमें बुल रन का स्टार्टिंग देने को मिलने वाला आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त आपको पंप यहाँ पर देखने को मिल सकता है तो ऐसे में यहाँ पर जो रिकवरी है वो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है लवली इन कॉइन के अंदर बट अगर हम बात करते हैं कि किस एक्सचेंज पर आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा लवली इन कॉइन का तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे आपको जो लिस्टिंग देने को मिलने वाला है लवली इन फाइनेंस का मेरे दोस्तों जी एक्सचेंज पर आपको लिस्टिंग देने को मिलने वाला है जैसा कि दो घंटा पहले का आपको यहां पर रेट देने को मिल जाता है लवली न्यू फाइनेंस की तरफ से और यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक्स एक्सचेंज का दोस्तों फॉलोवर्स देखोगे तो तिरानवे सौ पैंसठ फॉलोअर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यानी कि जो ये एक्सचेंज है काफ़ी छोटा एक्सचेंज आपको यहाँ पर देने को मिल जाता है, है, है। बट जो लवली न्यू फाइनेंस का टीम अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ था कि पंद्रह एक्सचेंज पर आपको लिस्टिंग देने को मिलेगी लवली इनू की अगर आप लिस्टिंग देखोगे तो अभी तक आपको मेरे दोस्तों जो लिस्टिंग देने को मिली है काफ़ी छोटे एक्सचेंज पर आपको लिस्टिंग देने को मिली और जिसके चलते लवली नू के अंदर भी आपको इतना ज़्यादा हाइप मेरे दोस्तों देखने को नहीं मिल पा रहा है अगर नेक्स्ट लिस्टिंग आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बिकोनवी एक्सचेंज पर देखने को मिलने वाली है और बिकोनवी एक्सचेंज अगर आप देखोगे तो टॉप तो फिफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो लिस्टिंग देने को मिलेगी लवली की दस एम यू के टाइम पर सत्रह अगस्त को आपको लिस्टिंग मेरे दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो ये लिस्टिंग अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है लवली नुकी. की फाइनेंस की तरफ से एंड उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक और रीट इनको मिल जाता है लवीन फाइनेंस की तरफ से एंड यहाँ पर आपको कोकोन का भी मेरे दोस्तों नेम देखने को मिल जाता है तो कूकॉइन एक्सचेंज पर क्या आपको लिस्टिंग मेरे दोस्तों लवली फाइनेंस का देखने को मिल सकता है तो मेरे दोस्तों अगर आप देखोगे अभी के टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा बैरिस मार्केट देने को मिल जाता है बट यहाँ पर लवली न्यू फाइनेंस की तरफ से काफ़ी ऐसे आपको टविड भी देने को मिल जाते हैं जहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जीरो पॉइंट फाइव जीरो वन तक आपको प्राइस देखने को मिलने वाला है और ऐसे में लाल टोकन एक्सचेंज पर आपको आई भी देखने को मिलने वाला है तो ऐसे में हो सकता है कि कूकॉइन एक्सचेंज का जो लिस्टिंग है वो आपको यहाँ पर बीस से इक्कीस अगस्त के आसपास मेरे दोस्तों देखने को मिल सकता है अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर दोस्तों पर, हमारा सोचना है, पर ये हमारा एक है कि कुछ ऐसा हो सकता है अगर यहां पर दोस्तों अनाउंसमेंट का का नहीं होता है अगर यहां पर आईओ के अंदर जो प्राइज आपको बताया गया वो प्राइज भी अगर आपको देखने को नहीं मिलता है तो ऐसे में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी यहाँ पर फंस भी सकती है और इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करके प्रॉफिट को होल्डिंग पे रखिए ज़्यादा लालच मत करिए तो अभी तक अगर देखा जाए तो लवली फाइनेंस की टीम की तरफ से जो बोला गया है वो मेरे दोस्तों अभी तक आपको जो है देखने को नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पर जो आपको बोला गया था कि जीरो पॉइंट फोर जीरो फाइव का प्राइस देखने को मिलेगा अगर आप देखोगे तो जीरो पॉइंट सिक्स जीरो फोर एट का ही प्राइस आपको देखने को मिला है कि जीरो भी यहाँ पर किल नहीं कर पाया लवली फाइनेंस जैसा कि आपको पता है यहाँ पर इसका सेकंड एनिवर्सरी आपको देखने को मिलने वाला था और ऐसे में जो है काफी मेरे भाइयों ने यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया था कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा हमें पर मिल सकता है लवली न्यू फाइनेंस की तरफ से बट यहाँ पर काफी लोगों का जो तो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फंस चुका है तो अभी के टाइम पर जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है होल्डिंग को बना के रखना है अगर आपको यहाँ पर मौका मिलता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर से निकालिएगा प्रॉफिट को होल्डिंग पर आप रख सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको बुल रन का भी स्टार्टिंग देखने को मिलने वाला है और ऐसे में लवली न्यू फाइनेंस की जो टीम है वो यहाँ पर कुछ भी कर सकती है हो सकता है कि तीन से चार जीरो भी यहाँ पर किल कर सकता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लवली न्यू फाइनेंस का जो टीम है वो हल्का है यहाँ पर ये जो टीम है दोस्तों काफ़ी मजबूत टीम है तो इसीलिए मैं बोलता रहता तो हूँ कि इन्वेस्टमेंट को सेव ज़रूर से करिए प्रॉफिट को होल्डिंग में रखकर चलिए तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो क्रिप्टो जर्नी के अंदर और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दोस्तों हम यहाँ पर बना भी चुके हैं अगर आपने हमारा सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा हमने दोस्तों वन वीक के अंदर वहाँ पर टू का प्रॉफिट बनाया यानी कि हंड्रेड डॉलर से टू हंड्रेड डॉलर हम बना चुके काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके तो लिंक मिलेगा आपको सेकंड चैनल का हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको वहां पर मिल सकता है और काफ़ी अच्छे कंटेंट भी आपको मेरे दोस्तों उस चैनल पर देखने को मिल जाता है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा उस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सा प्यार जरूर से दिखाएगा मिलता हुआ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्र